आनंद के साथ गोकुलनाथ जी को भी प्रागट्य उत्सव आ रहा है। श्री गोकुलनाथ जी को स्मरण करते हुए मंगल कलश हर घर घर की गोपी आवे हर मन
गमता साज सजावे मन गमता साज सजावे वालम जिना वालम जिना वालम जिना गुण गावे वालम जिना गुण गावे वालम जिना गुण गावे वालम जिना गुण गावे हरि गोकुल नाच दिवानी हरि गोकुल नाच दिवानी प्रगट भया અભિવૃદ્ધિ માટે આ લીલા કથાને આપણે આગળ વધારીએ અને પહેલાં આદરણીય શ્રી જ્યેષ્ઠ ભાતૃચરણના મંગલવચનામૃત શ્રવણ કરીને અને પછી આપણે ઠાકોરજીની બાલલીલાઓમાં પ્રવેશ કરીશું. તો બધા ધ્યાન એકાગ્રતા સાવધાનીથી પોતાના આસન ઉપર. શિવલ્લભાધીશ કી જય. દરેક વૈષ્ણવોને ખાસ વિનંતી કે શાંતિ જાળવો. થોડી ક્ષણો માટે અધ્યક્ષ સ્થાને બિરાજમાન પૂજ્ય શ્રી હરિરાયજી મહોદયશ્રીના મંગલ આશીર્વચન થશે અને ત્યારબાદ ફરીથી આપણે કથામાં આગળ વધશું. છેલ્લા 5 દિવસથી આપણને સૌને આચાર્યપીઠ પરથી શ્રીમદ ભાગવત
ज्ञान गंगा श्रीमद भागवत कथा रसनु रसपान पूज्य श्री गोवर्धनेजी महोदय श्री करावी रह्या छे। सूरतनी साथे साथे आ कथानु श्रवण देश ने विदेश में भारत वर्ष में लंडन यूके अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अनेक विविध देशों में पण आ भागवत कथानु सुबोधनी जीनु रसपान वैष्णव करी रह्या छे। अने ए कथारसनु रसपान करीने कारण के सदविद्या चैनल पर आपड़ी जारे लाइव कथा थाई छे प्रसारित त्यारे आपड़ा समितिनो एक कॉन्टेक्ट नंबर एमा नीचे आवतो होय छे। अने ए कॉन्टेक्ट नंबर उपर घणा बधा वैष्णवोए पोताना हृदयना भावने व्हाट्सअपना माध्यमथी आपश्री सुधी पहोंचाड्या छे, जेमाना अमुक एमना हृदयना भावो हूँ आप सौनी सन्मुख प्रस्तुत करवा मांगीश। लंडन थी अरविंद भाई शाह, लंडनना एक भाविक वैष्णव अरविंद भाई शाह, जेवो आपश्री ने दंडवट करी सदविद्या के माध्यम से श्री वल्लभ कुलभूषण युवा आचार्य श्री गोवर्धनेश जी महोदय श्री के मुखारविंद से सुबोधनी जी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके इतना आनंद अनुभव कर रहे हैं कि यह भक्ति सागर में यूं ही आनंद लुटते रहें। यह दिव्य अलौकिक वाणी हृदय में शरीर में एक रोमांच उत्पन्न कर रही है, प्रेमाश्रु बहा रही है। मैं क्या कहूँ और बस यही विनती कर सकूँ आचार्य चरणों के चरणारविंद में ऐसी वाणी का श्रवण हमें सदा के लिए मिलता रहे। खूब सुंदर आपे एमना भाव प्रस्तुत करिया। त्यार बाद नॉटिंगम थी यूके थी प्रफुल्लाबेन नांधा एवो आपशी ने दनवट करीने विनती करे छे, जेम वाद्य गमे तेटलू मोंघू केम ना होय, तबला छे, हार्मोनियम छे, सितार छे, वाद्य गमे तेटलू मोंघू केम ना होय, पण जो एनो वगाड़नारो सारो न होय तो ए वाद्यमा मधुरता ए वाद्यमा कोमलता प्रकट नथी थती। एवी ज रीते आ भक्ति सागरनु एकमात्र ग्रंथ ए श्रीमद भागवत रसोथी भरेलू आ श्रीमद भागवत जो एमना वक्ता श्री वल्लभ सिवाय अन्य कोई होय तो आ कथा रसनु श्रवण आपणने मधुरताथी केवी रीते थई शके। एकमात्र आचार्य के आटलू मधुरताथी आ रसने अमारा हृदय सुधी पहोंचाड़े छे एवा आ आपड़ा प्राणप्रिय श्री गोवर्धनेजी महोदय श्री छे। अमे घणा समय पहला लंडन खाते पण अमने आ दिव्य कथानो लाभ मळ्यो हतो अने आजे सूरतमां पण दिव्य अवसर प्राप्त थयो ए आपश्रीनी ज कृपा छे। आवो ने आवो लाभ हमेशा मळतो रहे एज मंगल भावना साथे हूँ जे जेना चरणोमां विनती करी दनवट प्रणाम करू छू। त्यारबाद अकोलाथी रुचिबेन कोठारी जे जे श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम, आप श्री के मुखारविंद से कथा श्रवण करके आनंद का सागर उभर आया है। आप श्री ने मन और मोबाइल वाली जो बात करी थी बे दिवस पहला आप श्री ना मुखारविंद जे मन ने मोबाइल नी जे बात आप श्री ए करी थी ए विषय में कही रहा छे। दूर विचारों को डिलीट करके जाना, जैसे हम मोबाइल में से जो जरूरी नहीं है उसे निकाल देते हैं, उसी तरह मन और मन में से भी दूर विचारों को हटाते जाना है। हमको घर बैठे ये अवसर मिल रहा है
हम अपने आप को धन्य भाग्यशाली समझ रहे हैं, पर हमारे से अधिक भाग्यशाली तो सूरत के वैष्णव सृष्टि हैं, जो आप श्री के सन्मुख बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। हमें भी एक बार अकोला में प्राप्त हुआ था, बस ऐसा अवसर दोबारा प्राप्त हो, वही विनती के साथ दंडवत प्रणाम करती हूँ। त्यार बाद अहमदाबाद थी बीजलबेन छा, जेओ पोतानो भाव प्रकट करे छे, जेमने पण व्हाट्सअप ना माध्यम थी खूब सुंदर भाव प्रकट कर्यो। परम पूज्य आचार्य श्रीनी कृपाथी सूरत में जे कथा योजाई छे ते परम पूज्य श्री दर्शन कुमार जी महोदय श्रीनी वाणी सांभळीने साक्षात ठाकोर जीनी लीलाओनो अनुभव थयो। श्रीमद भागवत जीनो रोज पाठ केम करवो जोईए ए जे जे श्रीनी आ भागवत कथाथी समझवा मळ्युं छे, साथे साथे सुंदर व्यवस्था नंद भवन में जेम नंद बाबा बिराजे एम आ नंद भवन में परम पूज्य श्री विजय कुमार जी महाराज श्रीना आ अलौकिक वचनामृत नो लाभ मळ्यो, एवं पूज्य श्री हरिराय जी महोदय श्रीना वचनामृत थी तो आ वैष्णव संप्रदाय ने एक मार्गदर्शन मळ्यु छे के ब्रज चौरासी परिक्रमा नो अनेरो अवसर आवी रह्यो छे अने प्रभुनी अति अलौकिक लीलाओनो सानुभाव श्री वल्लभ कुल परिवारनी साथे 2018 मा ब्रज परिक्रमा करी पोतानू मनुष्य जीवन कृतार्थ करिए, श्री वल्लभ ने शरणे जई रहिए आनंद मा मांगू एटलू, श्री वल्लभाधीश की जय। एक नानी वात कही हूँ आप श्रीने विनंती करीश कि आपने वचनामृत श्रवण करवानो लाभ आपे। एक गौरवनी वात छे एटला माटे कहेवी जरूरी छे। हमणा आजना सत्रमां ज पूज्य श्री गोवर्धने जी महोदय श्रीए जे श्री महाप्रभुजीए श्री महाप्रभुजीनो जयरे कनकाभिषेक थयो ते पूर्वमां आ हिंदू माटे गौरवनी वात छे, खाली वैष्णव माटे ज नहीं पण समस्त हिंदू सृष्टि माटे आ गौरवनी वात छे के जारे धर्मनु युद्ध चाली रह्यु हतु, कयुं शास्त्र ब्रह्म कोण छे, कयुं शास्त्र प्रमाण रूप छे, त्यारे आचार्य श्री महाप्रभुजी ए कृष्णदेव राजानी धर्मसभामां पधारीने श्रीमद भागवतने प्रमाण रूप मानीने पर ब्रह्मनु स्वरूप जे साकार ब्रह्ममां आपणे मानीए छीए ए पर ब्रह्मनु स्वरूप आपणने श्री आचार्यजीए त्यां विजय प्राप्त करीने बताव्युं हतुं। जो श्री महाप्रभुजी जो श्री आचार्य महाप्रभुजीए धर्मसभामां न पधार्या होत तो आजना दिवसे आ विश्वमां आ भारतनी भूमिमां श्रीमद भागवत कथारसनुं श्रवण आपणने न मळ्युं होत। तो तेना माटे श्री महाप्रभुजी प्रत्ये आचार्य पीठ पर विराजमान वल्लभ कुल भूषण पूज्य श्री गोवर्धनेशजी महोदय प्रत्ये, कारण के वल्लभ प्रगट थईने, कारण के भगवदीयोए कह्युं छे जो पे श्री वल्लभ प्रगट ना होते वसुधा रहती सूनी नातर लीला होती जूनी, जो श्री महाप्रभुजी प्रगट न थया होत तो आजे श्रीमद भागवत आपणने न मळ्युं होत।